बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे काला चना चाट बनाने का एकदम अलग नया और लाजवाब तरीका शेयर करने वाला हूं। आप एक दफा मेरी इस काला चना चाट की रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। और एक खास बात, ये काला चना चाट इतनी हेल्दी है, आप डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच में किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब मजेदार ये स्पेशल काला चना चाट की रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना चाट बनाने के लिए यहां पे मैंने 2 कप काले चने लिए हैं। काले चने से चना चाट अच्छी बनती है और काले चने मैंने अच्छी तरह से साफ करके, अच्छी तरह से इनको धो के तकरीबन 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप चेक कर सकते हैं कि काले चने यहाँ पे काफी ज्यादा फूल चुके हैं। चेक करें, काले चने की चना चाट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीकों से तैयार की जाती है, लेकिन जिस तरीके से आज हम चना चाट बनाएंगे, ना किसी ने ऐसे बनाई होगी और ना ही आपने खाई होगी। चने, सबसे पहले हमें चनों को उबालना कैसे है, कौन कौन सी ऐसी चीजें ब्लैक चने काले चनों में इस्तेमाल करेंगे जिससे काले चनों का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलें जी, चने उबालने के लिए आपने पैन, कढ़ाई, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपने यूज करना है, लेकिन प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर काले चने प्रेशर कुकर में उबालेंगे तो काले चने बहुत ज्यादा गल जाएंगे और इसके छिलके ऊपर से उतर जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। काले चने शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा कप पानी का। पानी शामिल करने के बाद 2 से 3 मसाले आपने लाजमी शामिल करने हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 लाल मिर्च सूखी हुई, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने कश्मीरी लाल मिर्च साबुत इस्तेमाल कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल करेंगे ताकि चने अंदर से जूसी हो जाएं और नमक का जायका चने के अंदर तक चला जाए, जिससे चाट बहुत ज्यादा मजे की हो जाएगी। अब जनाब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि चनों का मजा ही दुबाला कर देगी, अजवाइन। 1/2 टीस्पून आपने अजवाइन शामिल कर देनी है। अजवाइन शामिल करने के 3-4 फायदे होंगे। एक तो चना चाट का टेस्ट बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट सा हो जाएगा, जो कि खाने वालों को बहुत पसंद होगा। और दूसरा, आप जानते हैं कि काले चने थोड़े से सख्त होते हैं, खाने में हैवी होते हैं। अजवाइन शामिल करने से क्या होगा, काले चने जल्दी से हजम हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल स्लो से फ्लेम पे हमने काले चने को तकरीबन 12 से 15 मिनट उबालना है। ज्यादा नहीं उबालेंगे। आप मेरे प्यारे व्यूअर्स जानते हैं कि काले चने जब चाट में इस्तेमाल किए जाते हैं ना, तो थोड़े से सख्त ही अच्छे लगते हैं और मजेदार लगते हैं। चले जी, चने को उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल लो से फ्लेम पे ऐसे हल्की सी आग पे मैंने इसको उबाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि जितने चने हमें सॉफ्ट चाहिए थे इतने हो गए हैं। इससे ज्यादा हमने चनों को नहीं उबालना, वरना चने का छिलका उतर जाएगा और चाट बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। अब आपने क्या करना है कि चने आपने किसी खुले से बर्तन में निकाल लेने हैं और चनों को आपने ठंडा कर लेना है, और चने के अंदर जो पानी है ना, 1/2 कप आपने पानी उसमें से बचा लेना है। पानी आपने जाया नहीं करना। चने उबल गए हैं तो अब चाट के लिए बहुत ही जबरदस्त सा एक मसाला तैयार करेंगे। लें जी, चने के लिए मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये जाएगा 1 टीस्पून भर के, और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाले के साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। थोड़ा सा धनिया पाउडर आपने दरदरा रखना है। धनिया के साथ इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे साबुत सफेद जीरा। जीरा डालने के बाद मजीद कुछ चीजें में थोड़ी थोड़ी सी शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1/2 टीस्पून खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए, और इसमें अब गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून भर के। हल्दी भी शामिल करेंगे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वरना चने का कलर खराब हो सकता है। हल्दी डालेंगे सिर्फ 1 चुटकी। अब हमें इसमें पानी शामिल करना है।
पानी कौन सा शामिल करेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि चने का पानी आपने थोड़ा सा सेव कर लेना है, आधा कप आपने इसमें चने का पानी शामिल कर देना है जिसमें हमने चने उबाले थे। अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। इस तरह मसाला बनाने से क्या होगा कि गर्म पानी के अंदर मसाला अच्छे से फूल जाएगा और जिस पानी में चने हमने उबाले हैं, चने का टेस्ट उस पानी के अंदर है, तो मसाला बहुत ज्यादा यहाँ पे मजेदार हो जाएगा। इस मसाले को तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट लाजमी रेस्ट देना है ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए। ले जी, पैन को फिर से चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ। लहसुन इसमें इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। इसके साथ ही डाल देंगे सब्ज मिर्च, 3 से 4 सब्ज मिर्च हैं, और सब्ज मिर्च आपने मोटी मोटी सी काट लेनी है। सब्ज मिर्च और अदरक को हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लेना है। अक्सर क्या होता है कि जब हम चना चाट घर में बनाते हैं तो खाने वाले सब्ज मिर्च निकाल के साइड पे कर देते हैं। सब्ज मिर्च और अदरक को आप हल्का से इस तरह फ्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और खाने वाला इसको निकाल के बाहर भी नहीं फेंकेगा। आप मेरी ये चना चाट एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। चेक करें माशाल्लाह, अदरक और सब्ज मिर्च अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब इसमें डाल देंगे जनाब हम चने, जिसको हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। चेक करें माशाल्लाह, चने अच्छे खासे यहाँ पे सोफ्ट हो चुके हैं। और चने के साथ ही जनाब इसमें मसाला शामिल कर देंगे। कौन सा मसाला? जिसको हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। चेक करें माशाल्लाह, मसाला अच्छे से फूल गया है। सारा बर्तन आपने अच्छे से साफ कर लेना है। अब आपने अच्छी तरह से एक दफा इनको मिक्स कर देना है, और याद रहे नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम है। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जिन दोस्तों ने, प्यारे व्यूवर्स ने अपने भाई इमरान उमर के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमने आग का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है और 5 मिनट के लिए चने को मसाले के अंदर पकाना है। क्यों पकाना है? ताकि जो मसाला हमने शामिल किया है, सब्ज मिर्च अदरक शामिल की है, उन सारे मसालों का टेस्ट चनों के अंदर आ जाए। चले जी माशाल्लाह, 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चेक करें चने माशाल्लाह कितने स्मूथ हो गए हैं। हल्का से इसमें पानी है। 2 चीजें एंड पे इसमें और डालेंगे। प्याज फाइन चॉप किया हुआ 1 बड़ा कप भर के, वजन की बात की जाए तो 100 ग्राम। और इसके साथ ही टमाटर डाल देंगे, रेड कलर के मेरे फेवरेट। और याद रहे टमाटर के बीज आपने रिमूव कर देने हैं। अगर टमाटर के बीज रिमूव नहीं करेंगे तो जनाब खटाई से एक आएगी, जो कि हमें चना चाट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें चना चाट को और मज़ीद पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना टमाटर और प्याज का क्रंच ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप मेरे प्यारे व्यूअर जानते हैं कि चना चाट के अंदर कच्चे कच्चे टमाटर और कच्चे कच्चे प्याज बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त हमारी जूसी चना चाट बनके तैयार है। मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे और पकाने के बाद जनाब फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे बड़ी ही ज़बरदस्त फाइनल लुक के साथ। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें ज़बरदस्त माशाल्लाह चना चाट कितनी ही जूसी और हेल्दी तैयार हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।